आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स। चार डिजिट वाले नंबर्स को आज हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो हम नंबर्स लेते हैं 6543 माइनस 4321। इनकी पहले प्लेसेस लिखेंगे। ये दोनों फोर डिजिट नंबर्स हैं। 6543 इसमें भी चार डिजिट्स हैं और 4321 इसमें भी चार डिजिट्स हैं। अब इनकी प्लेसेस देखते हैं। 6543 में 3 की प्लेस है वंस, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे ओ, ओ फॉर वंस। 4 की प्लेस है टेंस, इसके ऊपर हम लिख देंगे टी, टी फॉर टेंस। 5 की प्लेस है हंड्रेड्स, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे एच, एच फॉर हंड्रेड्स। और 6 की प्लेस है थाउजेंड्स, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे टी एच यानी थाउजेंड्स। तो ये नंबर है 6543। अब दूसरे नंबर की भी हम प्लेसेस लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो ये नंबर है 4321। अब इन नंबर्स को नीचे लिखकर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो पहले नंबर है उसे हम ऊपर रखेंगे, 6543। इसके नीचे हमने दूसरा नंबर रखना है इस तरह से कि वंस वाले डिजिट के नीचे वंस वाला नंबर आए, फोर वाले टेंस वाले डिजिट्स के नीचे टेंस वाला, हंड्रेड्स वाले के नीचे हंड्रेड्स वाला और थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स वाला डिजिट आए। तो किस तरह से लिखेंगे, थ्री के नीचे आ जाएगा वन, क्योंकि थ्री और वन दोनों की प्लेस है वंस। फोर के नीचे क्या आएगा, टू, क्योंकि टू भी टेंस पे है। फाइव के नीचे आएगा थ्री और फोर के नीचे, सिक्स के नीचे फोर। इन्हें हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का निशान और अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पहले वंस प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर टेंस वालों को, फिर हंड्रेड्स वाले और उसके बाद थाउजेंड्स वालों को। तो वंस पे क्या है, थ्री और वन, यानी थ्री में से वन को माइनस करना है। तो यहाँ पर थ्री लाइंस लगाते हैं, वन टू थ्री। वन को माइनस करना है तो इन थ्री लाइंस में से वन लाइन को क्रॉस कर देते हैं यानी निकाल देते हैं, तो पीछे बच गई वन टू, टू लाइंस। इसका मतलब है कि जब थ्री में से वन को माइनस करें तो क्या आता है, टू। हमने वंस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब टेंस वालों को करते हैं। तो टेंस पे यहाँ पर है फोर और फोर में से जब टू निकालेंगे इसी तरह से लाइंस लगाकर, तो ये बच जाएगा टू। अब इसके बाद हंड्रेड्स वाले डिजिट्स को देखें तो फाइव माइनस थ्री टू आ जाएगा, और थाउजेंड्स पे है सिक्स माइनस फोर तो ये भी टू आ जाएगा। तो ये नंबर हमारे पास बन गया 2222, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 2222। तो इस तरह से हम फोर डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम एक और मिसाल लेते हैं। अब नंबर्स हैं 5275 और इसमें से माइनस करना है 1356 को। तो इनकी पहले प्लेसेस लिखते हैं। यहाँ पर फाइव की प्लेस है वंस, सेवन टेंस पे है, टू हंड्रेड्स पे है और फाइव थाउजेंड्स पे है। अब दूसरे नंबर पे भी लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो ये नंबर्स हैं 5275 माइनस 1356। तो पहले जो नंबर लिखा है उसे हम ऊपर रखेंगे, 5275। इसकी प्लेसेस भी लिख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब इसके नीचे दूसरा नंबर लिखना है यानी 1356, तो वो कैसे लिखेंगे, फाइव के नीचे आएगा सिक्स, सेवन के नीचे फाइव क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, यहाँ पर आ जाएगा थ्री और यहाँ पर वन। अब हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले वंस प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वंस पे है फाइव और इसमें से हमने निकालना है सिक्स को।
5 6 से छोटा है तो 5 में से हम 6 को नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, हम टेंस प्लेस में से 7 टेंस में से एक टेंस यहां पर बोरो ले आएंगे जो कि 5 के साथ मिलके बन जाएगा 15। और यहां पर 7 टेंस थे, एक टेंस हम यहां बोरो ले गए तो पीछे रह गए 6 टेंस। तो अब 15 में से हमने 6 को माइनस करना है, तो 15 माइनस 6 क्या होता है, 9। हमने वंस वाले डिजिट्स को सबट्रैक्ट कर लिया, अब टेंस वालों को करना है, तो टेंस पे है 6 और उसमें से निकालना है 5 को, तो 6 माइनस 5 होता है 1। अब हंड्रेड्स पे देखते हैं तो यहां पर है 2 माइनस 3, तो 2 3 से छोटा है, उसमें से हम 3 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम अगेन क्या करेंगे, थाउजेंड्स में से एक थाउजेंड यहाँ पर बोरो ले आएंगे, तो ये 2 के साथ मिलके बन जाएगा 1200s, और यहाँ पर रह जाएगा 4, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4। अब 12 में से 3 को हम माइनस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 9। अब थाउजेंड्स पे देखें तो यहाँ पर है 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 होता है 3, तो ये नंबर बन गया 3919। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये बराबर आता है 3919 के। एक और एग्जांपल देखते हैं, 8423 माइनस 7675, इन्हें हम माइनस करके देखेंगे कि ये कौन से नंबर के बराबर आते हैं। तो पहले इनकी हम प्लेसेस देखते हैं, तो पहले वाले नंबर में 3 की प्लेस है 1s, 2 टेंस पे है, 400s पे और 8000s पे। इसी तरह यहाँ पर 5 1s पे है, 7 टेंस पे है, 600s पे और 7000s पे। अब इन नंबर्स को हम नीचे लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले नंबर है 8423, इसकी प्लेसेस भी लिख लेते हैं, 1s, 10s, 100s, थाउजेंड्स। अब इसके नीचे दूसरा नंबर रखना है, तो 3 के नीचे आ जाएगा 5, 2 के नीचे आएगा 7, 4 के नीचे 6 और 8 के नीचे 7। अब इन नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले वंस वाले डिजिट्स को करेंगे। अब वंस पे अगर देखें तो यहाँ पर है 3 माइनस 5, 3 5 से छोटा है, इसमें से 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम 2 टेंस में से एक टेन को यहाँ पर बोरो लेके आएंगे जो 3 के साथ मिलके बन जाएगा 13, और यहाँ पर 2 टेंस थे तो यहाँ पर रह जाएगा 1 टेंस। अब 13 में से हम 5 को माइनस कर सकते हैं, तो 13 माइनस 5 आएगा 8। अब टेंस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो टेंस पे है 1 माइनस 7, 1 भी 7 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम हंड्रेड्स में से एक हंड्रेड्स को यहाँ पर बोरो लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 11 और यहाँ पर रह जाएगा 3। अब 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 11 माइनस 7 4। अब 100 वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर है 3 माइनस 6, अब 3 भी 6 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, थाउजेंड्स में से एक थाउजेंड्स को यहाँ पर बोरो लेके आएंगे जो 300s के साथ मिलके बनेगा 1300s और यहाँ पर रह जाएगा 7000s। अब 13 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब थाउजेंड्स पे देखें तो यहाँ पर है 7 माइनस 7 जो कि आता है 0, तो ये नंबर बन गया 748। ये जो 0 है नंबर की लेफ्ट साइड पर है, तो इसे हम काउंट नहीं करते, तो ये हमारे पास आ गया 748 के बराबर। तो आज हमने देखा कि हम 4 डिजिट नंबर्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं।